Hello friends, this is Adnan Rajpot and you are watching Adnan Rajpot official YouTube channel. आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मजेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें काफी ज्यादा जो है नॉलेज मिलेगा और कुछ मजेदार चीजें जो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। बहुत से नए फ्रेंड्स, बहुत से नए दोस्त जो इस साल हॉबी के अंदर आए हैं, चीजें लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने के प्रोसेस में जो होता है वो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट बातें पता चलती हैं। काफी लोगों की कुछ बातें मेरे तक पहुंची जिसके अंदर ये है कि वो ब्रीड जो लेना होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है और बहुत आसान भी है। अब डिफिकल्ट कैसे है कि इसमें ब्रीड के लिए आपको प्रॉपर विटामिंस की जरूरत होती है, विटामिंस हम यूज करवा रहे होते हैं। अब विटामिन एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप उसका अच्छे तरीके से अच्छी क्वांटिटी जो मेरियस उनके ऊपर मेयरमेंट मेंशन होती है उस क्वांटिटी से यूज करवाते हैं तो वो तो सोना है। अगर आप उसका ज्यादा यूज करवा देते हैं तो वो आपके लिए जहर बन जाता है, आपके पास ब्रीड भी नहीं आएगी और आपके बर्ड्स जो आपने एक्सपेंसिव परचेज किए होते हैं उनका भी एक्सपायर होने का जो खतरा होता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इन नुकसानात से कैसे बच सकते हैं और क्या वो चीजें हैं जिनको हम मेंटेन करके इन सब चीजों से एक अच्छी ब्रीड जो है वो ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है एप्पल। एप्पल के क्या फायदे हैं? इसमें ये है कि अगर आप गुड बैक्टीरिया इसको कहते हैं, ये काफी ज्यादा उसको डेवलप करता है बॉडी के अंदर। अब गुड बैक्टीरिया जो होते हैं आपकी जो भी बीमारी होती है सबसे पहले जो है बर्ड्स खुद ब खुद भी सही होते हैं, वो इस वजह से सही होते हैं कि हमारे इम्यूनिटी लेवल बड़ा अच्छा हो रहा है गुड बैक्टीरिया की वजह से, ये उसको जो है वो इनकी मिकदार को इंक्रीज करते हैं। देन एप्पल साइडर विनेगर हम यूज करते हैं ताकि बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे और बर्ड के अंदर जो है वो फैट वगैरह का कोई इशू आता है तो वो भी रिड्यूस करता है। तो एप्पल जब हम यूज करवाते हैं तो आपके वेट लूज में भी वो बड़ा कारामत होता है क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के अंदर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन वाले सीड भी यूज करवा रहे हैं तो बर्ड जो है ना काफी फैट गेन कर लेते हैं, तो ये उसका भी एक अमल दखल इसमें होता है कि एप्पल जो है उसको भी फैट को भी रिड्यूस करता है। देन इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है। विटामिन के जो है मतलब बहुत से ज्यादा आपकी वायरस जो होते हैं हाईली जैसे पोलियामा वायरस हो गया, इसके लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। आप उसकी मेडिसिन अगर देखेंगे तो उसमें विटामिन के स्पेशली मेंशन किया होता है। तो विटामिन के आपको एप्पल से डायरेक्टली मिल रहा है, नेचुरल सोर्स है, जितना ज्यादा भी यूज खा लेंगे वो तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ओवरडोज ऑफ विटामिन की वजह से जैसे कि आप ज्यादा विटामिन यूज करवाते हैं तो उसमें ये है कि लीवर जो है वो आपके डैमेज करता है, तो एप्पल के अंदर विटामिन के होता है जो उसको रिपेयर करता है, आपके बर्ड की लिवर को जो है वो मेंटेन करके रखता है, तो ये बड़ा यूजफुल है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास ब्रोकली। इसमें क्या है, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन्स, आयरन एंड पोटेशियम और विटामिन इसमें ए बी सी डी के सारे विटामिन और सबसे जरूरी चीज जो है वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या करता है, फोलिक एसिड का काम होता है अनफर्टिलिटी जो बर्ड्स के अंदर आती है या फर्टाइल नहीं होते ये उसको रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, तो बहुत ही यूजफुल है। स्क्रीन के ऊपर आपको चार्ट शो हो रहा है जिससे हाई रिच विद मिनरल्स एंड विटामिन ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही मतलब यूजफुल चीज़ है। आप इसको बर्ड को सर्व करें तो आपके बर्ड ये इंजॉय करेंगे। अब इसके छोटे छोटे फूल होते हैं वो आप इनको हर चीज बर्ड को मसल सर्व कर सकते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेट। कैरेट में क्या है, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, जिंक और सबसे जरूरी चीज जो होती है या कि बोन स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करती है, देन इम्यूनिटी जो सबसे जरूरी होती है बर्ड्स के सर्वाइवल में, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक इम्यूनिटी लेवल को अप करती है, देन हाईली प्रोटीन इसमें अवेलेबल होती है, तो जो हम नॉर्मली ये भी यूज करवा रहे हैं ना सब, तो बहुत अच्छा है बर्ड्स के लिए। अगले सेक्शन पे चलते हैं जी, इसमें है स्पिनिच। अच्छा स्पिनिच एक तो तासीर में गर्म होती है, नॉर्मली हम यूज़ करवाते हैं तो वीक में तो 2 times या 3 times जैसे भी डिफरेंट जो ना लोग वो इसको यूज़ करवा रहे हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं, इम्यून सिस्टम को ये बूस्टअप करती है, आपके बोन स्ट्रक्चर्स को ये स्ट्रॉन्ग करती है, देन उसमें जो डिजीज जितनी भी बीमारियाँ आती हैं बर्ड्स के अंदर उनको उनके खिलाफ लड़ने के लिए कुव्वत-ए-मुदाफ़त देती है बर्ड को,
हाईली फाइबर होता है इसके अंदर, देन डाइजेस्टिव सिस्टम को ये आपके मेंटेन करती है, तो बहुत अच्छी चीज है। इसको भी आप रूटीन बेसिस के ऊपर यूज करवा सकते हैं। देन ग्रीन पीस, मटर के दाने, अब इनको यूज करवाने का तरीका ये है कि अच्छे तरीके से आप इनको वॉश करें, कोई भी मिसिंग मिट्टी रहनी नहीं चाहिए इसके अंदर। वॉश करने के साथ सीधा या तो आप छील के भी उनको दाने जो है वो सर्व कर सकते हैं, या आप उनको अच्छे तरीके से वॉश करके वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बर्ड्स को दे सकते हैं। एक एक्टिविटी हो जाती है उनके लिए, उन्होंने कुछ छीलना, उसको छीन के वो निकालेंगे दाने और उनको खाएंगे। अब इसके अंदर विटामिन ए सी डी ये सारे अवेलेबल होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इम्यून सिस्टम को ये भी बूस्टअप करता है और हाई एनर्जी होता है। अब ये अगर आप थोड़ा सा सारी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे तो सारी इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। सबका काम क्या है जी, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती हैं, आपके जो है बर्ड्स की बोन स्ट्रक्चर को वो स्ट्रॉन्ग करती हैं, वाइटामिन की अवेलेबिलिटी है सारी। तो हम एक्स्ट्रा, और इसका सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, नेचुरल डाइट है तो साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। आप जितना मर्जी उनको यूज करवाएं, जैसे मर्जी सर्व करें, इनके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इनकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुकम्बर हो गया, मेथी लीव्स हो गए, सलाद पत्ता हो गया, लूसन हो गया, और बहुत सी चीज़ें जो भी आप बर्ड्स को जिन चीज़ों पर लगा देंगे बर्ड्स आपका यूज टू हो जाएगा। वाइटामिन जो है, वाइटामिन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे तरीके से जो क्वांटिटी उनके ऊपर मैंशनड है, जो ब्रीडिंग सीजन के स्टार्टिंग में 21 या 22 दिन का कोर्स करवाना होता है और उसके बाद एक या दो दिन वीक के अंदर, लेकिन हम थ्रू आउट शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं वो कितनी अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा वाइटामिन यूज़ करवाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मली रूटीन से चीज़ें चलें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, नहीं तो वो हार्मफुल होती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत मज़ा आया होगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अदनान राजपूत ऑफिशियल। आपके प्यार, आपके मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़।